हेलो एंड स्वागत है फिर से मेरे चैनल दानिश करियर काउंसलिंग में। और आज एक टॉपिक जो कि बहुत अहम टॉपिक है, और मैंने क्यों चुना है वो टॉपिक, उसके पीछे भी आपको मैं वजह बता देता हूँ। मेरे चैनल पे बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, बच्चे अपने अपने सवाल रखते हैं काउंसलिंग के रिगार्डिंग, अपने क्वेश्चंस पूछते हैं कैरियर के रिगार्डिंग। तो मैं इतना के मैंने बहुत ऑब्जर्व किया है कि हर तीसरा चौथा सवाल जो है वो एक स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर है, जो काफी बच्चों का सवाल है और ज्यादातर बच्चे उस सवाल को रिपीट कर रहे हैं। मतलब मैंने जवाब भी दिया है उस सवाल का उनको उनके मैसेज में रिप्लाई के तौर पे, लेकिन वो सवाल जो है हर बार जो है मेरे सामने आ जा रहा है। तो मुझे लगा कि ये जो एक प्रॉब्लम है ये काफी ज्यादा से ज्यादा लोगों की प्रॉब्लम है, और आई शुड रेस्पॉन्ड टू दैट प्रॉब्लम थ्रू माई यूट्यूब वीडियो, जिसकी वजह से मैंने आज का टॉपिक चुना है। आज का जो टॉपिक है वो है बी फार्मा के बाद बीएड करा जाए या नहीं, या बी फार्मा के बाद टीचिंग का क्या स्कोप है, और अगर हमें बी फार्मा कोर्स जिसे हम बैचलर ऑफ फार्मेसी बोलते हैं इसके बाद अगर हम टीचिंग में जाने की सोच रहे हैं तो वो कैसा रहेगा, क्या वो सही फैसला है या नहीं, और अगर हम बी फार्मा करते हैं तो उसके बाद हमारा बीएड में सब्जेक्ट क्या रहेगा, क्या हम बीएड कर भी सकते हैं या नहीं बी फार्मा के बाद, या बीएड करने के लिए हमें सिर्फ जो प्लेन डिग्री कोर्सेज होते हैं जैसे कि बीए, बीएससी, बीकॉम, या जो नॉर्मल बीकॉम ऑनर्स वगैरह या बीबीए वगैरह जो कोर्स होते हैं, क्या उन्हीं के बाद बीएड हो सकता है या बी फार्मा के बाद भी बीएड की कोई गुंजाइश बचती है। तो इस तरीके के कई तरीके के सवाल जो है कई बार बदल बदल के बच्चे करते हैं। कभी वो पूछते हैं कि सर क्या बी फार्मा के बाद बीएड कर सकते हैं, कुछ बच्चों ने सवाल किया कि सर अगर हम बीएड करते हैं बी फार्मा के बाद तो उसमें सब्जेक्ट क्या रहेगा, और बी फार्मा के बाद बीएड करना कैसा है, टीचिंग के फील्ड में जाना है तो कैसा रहेगा, वगैरह वगैरह। इस तरीके के हर बार नए नए फॉर्म में सवाल आ जाता है। तो आज की जो वीडियो की मैं शुरुआत करूंगा वो इसी टॉपिक से करूंगा कि बी फार्मा के बाद बीएड का स्कोप कैसा है और क्या है। सबसे पहले तो मैं बता दूं बी फार्मा दैट इज दी बैचलर ऑफ फार्मेसी आजकल सबसे ज्यादा चलन में एक कोर्स है। आपने देखा होगा हर बार एक कोर्स डिमांड में रहता है, हमेशा से आप देखिए कि कोई एक दौर चलता है जिसमें एक कोर्स की बहुत डिमांड रहती है। एक टाइम हुआ करता था कि जब बीटेक, हालांकि आज भी बीटेक को लोग पसंद करते हैं, लेकिन बीटेक का एक टाइम पीरियड में बहुत ज्यादा क्रेज था, और हर इंसान जो इंटर मैथमेटिक्स से करके आता है उसका ये हमेशा से रुझान रहता है या उसका इंटरेस्ट रहता है कि मुझे बीटेक करना है और इंजीनियरिंग करनी है, और इंजीनियरिंग करके मुझे इंजीनियरिंग के फील्ड में आगे बढ़ना है या मुझे इंजीनियर बनना है वगैरह वगैरह। इस तरीके से फिर एक टाइम आया जिसमें कि एमबीए का बहुत जोर था कि बच्चा कि मुझे कैट की तैयारी करनी है, कैट मैट की तैयारी करने के बाद मुझे जो है एमबीए में एडमिशन लेना है और आईआईएम्स में एडमिशन लेना है। हालांकि एमबीए का अभी भी स्कोप है, एमबीए की तरफ बच्चे अभी भी जा रहे हैं, लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बीटेक और एमबीए का जो जो ग्राफ था वो थोड़ा सा नीचे आया है। लेकिन अब इस टाइम पीरियड में एक कोर्स जो बहुत ज्यादा उभरा और जिसका जिसकी तरफ बच्चों का ज्यादा रुझान गया है वो है बैचलर ऑफ फार्मेसी दैट इज दी बी फार्मा। फार्मेसी की तरफ बच्चों का बहुत रुझान गया, जितने भी लोग जो जो लाइफ साइंसेस से पढ़ के आए हैं, जिन्होंने इंटर बायोलॉजी से किया है, तो वो लोग बी फार्मा की तरफ जाते हैं, क्योंकि जो बच्चे मेडिकल लाइन में नहीं जा पाते किसी वजह से, या उनका जो है डॉक्टर बनने का सपना पूरा नहीं हो पाता है, या एमबीबीएस नहीं कर पाते हैं किसी वजह से, पैसे की कमी की वजह से, या उनका किसी एग्जाम में सिलेक्शन नहीं हुआ होता है, तो फिर वो जो है दूसरा ऑप्शन जो है फार्मेसी की तरफ जाते हैं कि हम बी फार्मा कर लेते। तो आजकल बी फार्मा जो है कोर्स है वो बहुत चलन में है, और हर दूसरा तीसरा बच्चा जो है बी फार्मा की तरफ जा रहा है। जितने भी कॉलेजेस हैं जहां पर बी फार्मा चल रहा है वहां पर हमेशा सीटें फुल रहती हैं, इवन सीटों से ज्यादा एडमिशन होते हैं और उन्हें रोकना पड़ता है। बहुत ज्यादा कॉलेजेस खुल गए हैं बी फार्मा के, और अगर छोटे से छोटे इंस्टीट्यूट में भी बी फार्मा की सीटें फुल हैं। तो कहना चाहिए जरूरत से ज्यादा जब किसी इसकी डिमांड बढ़ जाती है, लोगों को पता नहीं होता है कि वो कोर्स करने के बाद हम कहाँ जाएंगे और क्या स्कोप है उसका, सिर्फ इसलिए कि एक माहौल बना हुआ है कि चलो बी फार्मा कर लेते हैं। एक बच्चे ने किया वो दूसरे को लेकर आया, दूसरे ने किया वो तीसरे को लेकर आया, विदाउट नोइंग द फ्यूचर, विदाउट नोइंग द स्कोप कि हाँ हम बी फार्मा क्यों कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम का विषय है कि आप जो है बच्चे, बहुत से बच्चे ऐसे भी होते हैं जिन्हें पता होता है कि हम बी फार्मा करके कहाँ जाएंगे, उसके बाद हमारा क्या स्कोप है, हम किस फील्ड के लिए बी फार्मा कर रहे हैं। लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स जो हैं, जो जो गांव की पृष्ठभूमि से आते हैं, जो रूरल बैकग्राउंड से आते हैं,
उन्हें यही नहीं पता होता है, बी फार्मा कोर्स कर तो रहे हैं लेकिन बी फार्मा के बाद हम कहाँ जाएंगे, हमारा क्या आगे भविष्य होगा, हमें कौन सी जॉब लगेगी, या जॉब भी लगेगी तो प्राइवेट लगेगी या गवर्नमेंट लगेगी, या हम कुछ अपना खुद का व्यवसाय कर सकते हैं, इस तरीके का उन्हें कोई आइडिया नहीं होता है। और उसके बाद फिर शुरू हो जाता है कन्फ्यूजन का एक सफर, एक कन्फ्यूजन से क्रिएट होता है कि हाँ हमने बी फार्मा तो कर लिया, अब हम क्या करें। जनरली बी फार्मा के बाद होता क्या है कि बच्चे या तो फार्मा कंपनी ज्वाइन कर लेते हैं, जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज हैं, जो दवा बनाने वाली कंपनीज हैं उसमें चले जाते हैं, जो अच्छी जगह से बी फार्मा करके आते हैं, ठीक है। दूसरा जो उसके जो मार्केटिंग का फील्ड होता है, जो फार्मेसी का जो मार्केटिंग फील्ड है, जिसमें हमने देखा बड़ी बड़ी कंपनी की जो मार्केटिंग, फार्मास्यूटिकल कंपनी की जो मार्केटिंग होती है, जितनी भी दवा बनाने वाली कंपनी है उन्हें भी मार्केटिंग के बंदों की जरूरत रहती है, तो वो भी कहीं ना कहीं बी फार्मा के स्टूडेंट्स को हायर करती है, ठीक है। अब उसके अलावा ऑप्शन क्या बचता है कि अगर आप खुद का कोई व्यवसाय करना चाहते हैं तो फिर बी फार्मा के स्टूडेंट जो होते हैं फिर वो लाइसेंस के लिए अप्लाई करते हैं और वो एलिजिबल हो जाते हैं, फिर उन्हें जो है ड्रग स्टोर का या ड्रगिस्ट जिसे हम बोलते हैं, जो दवा खाना जिसे हम बोलते हैं, उसका आपको लाइसेंस मिल जाता है। उसमें आप रिटेलिंग जिसे कहते हैं दवा बेच भी सकते हैं, और आपको अपना मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करना है, दवा बनाना है, बनाना चाहते हैं तो उसका भी आपको लाइसेंस मिल जाता है ऑन द बेसिस ऑफ बी फार्मा डिग्री। तो ये स्कोप रहता है बी फार्मा का। उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि आप और अपने आगे जाना चाहते हैं तो बी फार्मा करके एम फार्मा, और एम फार्मा के बाद आप पीएचडी वगैरह भी करके आगे जा सकते हैं। अब जब बच्चों के अंदर अभाव है इस बात का कि बी फार्मा के बाद हम क्या करें, हमें क्यों कराए, फिर बच्चे जाते हैं टीचिंग की तरफ। बी फार्मा जब हम जानते हैं कि खुद अपने आप में एक प्रोफेशनल डिग्री है, एक कंप्लीट डिग्री है, तो बी फार्मा करने के बाद फिर अगर आपको दूसरी डिग्री की जरूरत पड़ी क्यों नहीं है। मेरा सवाल यह है कि जब बच्चे मुझसे पूछते हैं कि सर हम बी फार्मा के बाद बीएड कर लें, देखिए बीएड जो एक डिग्री है वो टीचिंग की फील्ड में जाने के लिए बनी है, कि आपको अगर जो है कॉलेज लेवल पर टीचिंग करनी है या स्कूल इंटर लेवल पर टीचिंग करनी है या स्कूल लेवल पर टीचिंग करनी है तो बीएड वगैरह लोग करते हैं, ठीक है। तो अगर आपको टीचिंग में ही जाना था तो बी फार्मा क्यों किया। बी फार्मा तो अपने आप में एक कंप्लीट कोर्स है, एक प्रोफेशनल डिग्री है। आप उस, मेरा तो सुझाव यह है कि जिन्होंने बी फार्मा किया है तो बेटर होगा कि आप अपने ही फील्ड में रहें। हाँ, अगर आपको बहुत ज्यादा लगता है कि आपको टीचिंग में जाना चाहिए और आप टीचिंग के लिए बने हैं या आपके अंदर टीचिंग का रुझान है, तब आप बीएड के बारे में सोचें। तो पहले सवाल का मेरा आंसर ये है कि पहली कोशिश तो आप ये करिए कि अगर आपने बी फार्मा किया है तो आप अपने ही फील्ड में जॉब ढूंढिए, चाहे आप रिटेल मतलब मार्केटिंग के फील्ड में जॉब ढूंढिए, या फार्मास्यूटिकल कंपनी में दवा बनाने की जॉब ढूंढिए, या आप थोड़ा सा पैसा लगा के आप लाइसेंस लेके अपना खुद का ड्रग स्टोर या मेडिकल स्टोर खोलने की कोशिश कीजिए। उसके बाद अगर ये सारे ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं हो पा रहे हैं किसी वजह से, तब आप टीचिंग की तरफ जाइए। तो उसके लिए आप बीएड कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि आप बीएड नहीं कर सकते, बी फार्मा के बाद भी बीएड होता है और आप फिर उसको टीचिंग में जा सकते हैं, लेकिन फिर आपका जो सब्जेक्ट रहेगा वो साइंस रिलेटेड रहेगा, कोई उसमें कोई स्पेशल कोई हाई स्कूल या इंटर लेवल पे कोई ऐसा बी फार्मा से रिलेटेड कोई सब्जेक्ट या फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री या फार्मास्यूटिकल्स करके कोई सब्जेक्ट नहीं होता है, फार्मेसी करके कोई सब्जेक्ट नहीं होता है, सिंपल जैसे केमिस्ट्री होती है, बायोलॉजी होती है, साइंस होती है, तो ये सब्जेक्ट आपके बेसिक लेवल पे चलते हैं। हाँ, अगर आप चाहते हैं कि अपने ही फील्ड की टीचिंग में आगे जाते हैं, कि आप चाहते हैं कि बी फार्मा को ही आपको पढ़ाएं, आगे आप चाहते हैं कि मैं जो है आगे जाके बी फार्मा को ही पढ़ाऊं, या जो आपने फार्मेसी की जो नॉलेज ली है आप उसी को आगे कंटिन्यू करें, तो उसके लिए आपको बीएड की बिल्कुल जरूरत नहीं है। उसके लिए आप क्या करें, उसके लिए आप एम फार्मा करें, जिसमें बोलते हैं मास्टर ऑफ फार्मेसी। उससे फायदा ये होगा कि जितने भी बी फार्मा वाले कॉलेज हैं, क्योंकि आजकल आपने देखा होगा कि बी फार्मा के जब कॉलेजेस बहुत खुल रहे हैं तो वहां पर टीचर की रिक्वायरमेंट भी रहेगी, तो उसके लिए आपको करना क्या है, आप बेटर होगा 2 साल का बीएड करने से अच्छा है आप 2 साल का एम फार्मा करें, जो कि मास्टर डिग्री कोर्स है, और उसमें आप मास्टर्स भी कराएंगे। क्योंकि अगर आप बीएड करते हैं बी फार्मा के बाद तो आप मास्टर्स नहीं कराएंगे, आप सिंपल ट्रेंड यानी प्रशिक्षित स्नातक कहलाएंगे, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर कहलाएंगे, जिसके लिए आप टीजीटी वगैरह के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपकी मास्टर्स डिग्री भी पूरी हो, आपकी यानी कि क्वालिफिकेशन भी बढ़े और आप टीचिंग में भी जाना चाहते हैं, तो आप बेटर होगा आप एम फार्मा करें और फिर बी फार्मा के स्टूडेंट्स को ही पढ़ाएं, वो ज्यादा बेटर होगा, ना बमुकाबले कि आप बी फार्मा करके फिर बी एड करें और फिर आप स्कूल लेवल पढ़ाएं, फिर आपकी जो बी फार्मा में आपने जो नॉलेज ली थी वो सारी आपकी वेस्ट हो जाएगी। साइंस जरूर, ऐसी बात है, साइंस तो आपके काम आएगी, आपने केमिस्ट्री पढ़ी होगी, आपने बायोलॉजी पढ़ी होगी, जो भी सब्जेक्ट पढ़े होंगे, बॉटनी जो भी सब्जेक्ट आपने साइंस रिलेटेड पढ़े होंगे वो आपको काम देंगे, लेकिन बेटर ऑप्शन ये होगा कि अगर आप बी फार्मा के साथ एम फार्मा कर लेते हैं तो आपके पास स्कोप ज्यादा है। तो सवाल ये था कि आप बीएड कर सकते हैं या नहीं, बीएड जरूर कर सकते हैं, लेकिन सुझाव मेरा ये है कि पहले आप अपने फील्ड में रहें, अपने कोर्स से रिलेटेड रहें। अगर आपको ऑप्शन मिल रहा है एम फार्म करने का तो आप एम फार्मा करें, ना कि बीएड करें। और आप बीएड ही करना चाहते हैं कि चाहते हैं कि नहीं मैं अपना लाइन चेंज करना चाहता हूं, तो आप बीएड कर सकते हैं, उसमें आपके फिर साइंस रिलेटेड सब्जेक्ट रहेंगे, फिर आप टीजीटी वगैरह के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। और ये बात ध्यान रखिएगा, पीजीटी के लिए आप एलिजिबल नहीं होंगे, पीजीटी के लिए फिर आपको जो है कोई एमएससी वगैरह या कोई एमए वगैरह या जो भी सब्जेक्ट से आप मास्टर्स करना चाहते हैं,
फिर आपको करना पड़ेगा, तब आप जाके पीजीटी के लिए एलिजिबल होंगे। टीजीटी के लिए आप जरूर एलिजिबल हो जाएंगे, उसमें आप जब गवर्नमेंट की वैकेंसीज आती हैं उसमें आप जो है टीजीटी वगैरह के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आप बी फार्मा करके बीएड कर लेते हैं और फिर आप प्राइवेट सेक्टर में टीचिंग ढूंढते हैं तो फिर बहुत अच्छा स्कोप नहीं है, क्योंकि प्राइवेट टीचिंग में बीएड करके बहुत अच्छी सैलरीज वगैरह ऑफर नहीं होती है जब तक कि आपकी गवर्नमेंट जॉब ना लगे। अगर आपकी गवर्नमेंट जॉब होती है तभी बी फार्मा के बाद बीएड करने का जो जो आप सोच रहे हैं वो डिसीजन सही होगा, अदरवाइज फिर वो एक डिसीजन सही नहीं होगा। उससे बेटर ये है कि आप बी फार्मा करके एम फार्मा कर लें, तो कम से कम आप अपने फील्ड से जुड़े रहेंगे, आपकी जो आपने पढ़ाई की थी पिछले 4 साल वो आपकी काम आएगी और आप बाद में उसमें फिर पीएचडी भी कर सकते हैं। आपको लगता है कि और मैं आगे पढ़ाई करूं रिसर्च में जाऊं, तो आप एम फार्मा करके शोध के क्षेत्र में जा सकते हैं, आप पीएचडी वगैरह कर सकते हैं किसी अच्छी जगह से फार्मेसी की फील्ड में, रिसर्चेस कर सकते हैं, नया नया दवाइयां खोज सकते हैं, नई दवाइयों के बारे में आप शोध कर सकते हैं, तो आप उसमें पीएचडी करें। तो इस तरीके से आप अपने अगर आपको करियर को लेके जाएंगे, खासतौर पर बी फार्मा स्टूडेंट्स, मैं फिर से उन्हें दोबारा से ये सुझाव दे रहा हूँ कि अपने फील्ड में रहें, बेटर होगा बी फार्मा के बेसिस पे जॉब ढूंढें, क्योंकि बी फार्मा अपने आप में एक कंप्लीट डिग्री है और उसमें फिर भागने की जरूरत नहीं है। बहुत से बच्चे फिर बी फार्मा करके एमबीए करने की सोचते हैं, एक बार वो फिर भी जस्टिफाइड है क्योंकि बी फार्मा करके अगर एमबीए कर लेते हैं तो उसके बाद आपके पास टेक्निकल एज वेल एज जो है मैनेजमेंट की डिग्री आ जाती है, उससे आप किसी भी कंपनी के हायर डिवीजन में आप जा सकते हैं, क्योंकि आपके पास मैनेजमेंट की नॉलेज भी है क्योंकि आपने एमबीए किया हुआ है। क्योंकि एमबीए एक ऐसा कोर्स है वो आप किसी भी ग्रेजुएशन के कोर्स के बाद आप कर सकते हैं, क्योंकि आपको करियर में आगे लेके जाएगा, क्योंकि एमबीए कोर्स है वो हर कोर्स के साथ फिट हो जाता है। बच्चे बीटेक करने के बाद भी एमबीए करते हैं, बीएससी के बाद भी एमबीए करते हैं, इवन मैंने बहुत से बच्चों को डॉक्टरी के बाद एमबीए करते हुए देखा, बीयूएमएस के बाद एमबीए करते हैं जो कि हेल्थ मैनेजमेंट में होता है, तो उससे वो हॉस्पिटल वगैरह में आगे चले जाते हैं, मैनेजमेंट में चले जाते हैं। तो अगर आप बी फार्मा के बाद एमबीए करते हैं तो आप किसी भी फार्मास्यूटिकल कंपनी के मैनेजमेंट की फील्ड में आप आगे जा सकते हैं। तो ये मैंने थोड़ा सा एक आपके ऊपर बी फार्मा स्टूडेंट के ऊपर बताया कि बीएड कर सकते हैं या नहीं, बिल्कुल कर सकते हैं, और क्या उनकी एलिजिबिलिटी रहेगी, आप बी फार्मा करके कर सकते हैं, साइंस सब्जेक्ट उसमें रहेगा और आप टीचिंग में जाएंगे लेकिन बहुत ज्यादा आपको उसमें फायदा नहीं होगा। तो बेटर ये होगा कि आप अपने फील्ड में रहें और उसी फील्ड में आप जॉब ढूंढें। तो आज के लिए इतना ही, अगर आपको मेरा ये छोटा सा वीडियो स्पेसिफिकली फॉर बी फार्मा स्टूडेंट पसंद आया हो तो उसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल दानिश करियर काउंसलिंग, और बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू वेरी मच, थैंक फॉर वॉचिंग।